नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते हैं भोजपुरी रिम्स। देखिए, कोनो भी फिल्म आवेला, चाहे भोजपुरी सिनेमा की बात करें, पंजाबी सिनेमा की बात करें, चाहे हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी फिल्म आवेला तो फिल्म जब आवेला तो लोगों के जहन में वो फिल्म के नाम गूंजे लागेला। जी हाँ, और जब फिल्म सिनेमा घर में आवेला, जब बड़ा पर्दा पर रिलीज होला, तो उस सिनेमा घर के रिलीज होकर के साथ बहुत सारा लोग के रिकॉर्ड भी बनावेला, बहुत सारा लोगों के फ्लॉप भी होकेला, और बहुत सारा ऐसा फिल्म बा जेकर नाम तक लोगों के पास ना पहुँचेला, और बहुत सारा ऐसा बाटे कि जेकर कैरियर की शुरुआत होला, जेकर स्ट्रगल लाइफ से जब कौन उनके फिल्म मिलेला और जब फिल्म रिलीज होला और जब पर्दा सिनेमा घर में रिलीज होला तो लोग बाटे जवन वो फिल्म के नाम, एक्टर के साथ एक्ट्रेसेस के नाम, विलेन के नाम और वो फिल्म के सिंगर के नाम तक जान जाला। लेकिन बहुत सारा ऐसा फिल्म बाटे जेमा के फिल्म तो रिलीज होला लेकिन फिल्म हिट ना हो पावेला, सुपर फ्लॉप हो जाला, जेकरा चलते वो फिल्म के जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर और एक्ट्रेसेस बाढ़ जा वह जाना के नाम जोन बाटे चर्चा में ना आ पावेला। लेकिन आज हम जोन बात करे वाला माने वही बताइए कि भोजपुरी सिनेमा में कौन सा ऐसा फिल्म आई बा जोना कि फिल्म आइला के बाद वो फिल्म के नाम तो भइल बा लेकिन वो मां से सिर्फ एक्टर का नाम भइल बा, तो कोनो में एक्ट्रेसेस का नाम बा, तो कोनो में सिर्फ विलेन का नाम बाटे, और ऐसा हर इंडस्ट्री में लगभग होत रहेला। लेकिन जो चर्चा करे वाला बानी वो हम चर्चा करे वाला बानी कि भोजपुरी के सबसे सीनियर अभिनेत्री और भोजपुरी के जाना माना पहचाना चेहरा, जी हाँ, हम रानी चटर्जी के बारे में बात करते हैं। रानी चटर्जी के बारे में बखूबी आप लोग जानते हैं कि रानी चटर्जी जोन बाड़ी सबसे सीनियर अदाकारा हमारा लगा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बाड़ी, और भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग सब कलाकार के साथ वो फिल्म भी कर सकल बाड़ी, और आज जोन बाटे वो खुद लीड एक्ट्रेसेस के तौर पर काम करेली। अगर हम रानी चटर्जी के कैरियर की शुरुआत की बात करें तो उनका एगो फिल्म आई रहे जोन का नाम रहे ससुरा बड़ा पैसा वाला। जी हाँ, ससुरा बड़ा पैसा वाला जोन फिल्म आई रहे वो 2004 में आई रहे, और 2004 में वो फिल्म जोन बाटे वो आजकल के सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी के साथ आए रहे, और वो फिल्म इतना ज़्यादा हिट भइल कि मनोज तिवारी भी वो फिल्म से बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट बना, और रानी चटर्जी के भी कुछ कुछ नाम बना। लेकिन रानी चटर्जी के जब इंटरव्यू में पूछल गई कि ओकरा बाद आपके आगे का शुरुआत कैसन भइल और आपके का परिणाम मिलल ओकर, तो रानी चटर्जी हमें कहली कि फिल्म तो हमार रिलीज भइबे कई, फिल्म तो हिट भइबे कई, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो नाम भइल वो नाम भइल तिवारी जी के, यानी कि मनोज तिवारी के, और हमारो नाम कुछ कुछ भइल लेकिन एकरा बाद हमरा के कोनो भी काम ना मिलल। जी हाँ, लोग कहे लागल कि इतना मोट बिया, ऐसन बिया, वैसन बिया, अभिनेत्री लायक नहीं है, हीरोइन लायक नहीं है, चेहरा बढ़िया नहीं है, इस सब जोन बाटे हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जोन बाड़े उ लोग कहे लागल, और कोनो भी बैनर जोन बाटे वो रानी चटर्जी की फिल्म देवे से इनकार कर दे। इस सब जोन बाटे इंटरव्यू में खुलासा कैले बाड़ी और उ सब कहत आड़ी और आरोप लगेले बाड़ी कि रानी चटर्जी कि हमरा के सब लोग मोटा पतला मोटला कह के, चेहरा सही नहीं के, ऐसा ऐसे कह के हमके बाइकाट कैलस, और हमरा के कोई भी फिल्म ना दे और ना ही कौन प्रोडक्शन हाउस जोन बाटे हमरा से फिल्म करावे। तब रानी चटर्जी सोचली कि जब हम इंडस्ट्री में आए गई बनी तो हम काहे ना एक अलग मुकाम बनाई, और खुद जोन बाटे रानी चटर्जी मैदान में उतर गईली और अपने खुद से फिल्म के साथ अपन लीड रोल करे लगली, और खुद से लीड रोल करके वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी पर्दा पर आ गई। कहली कि हमके शुरुआत में कोनो भी एक्टर के जोन बाटे तैयार ना होगा जा काम करे के हमारा साथ, ना ही कोनो प्रोड्यूसर हुनका साथ, ना ही कोनो डायरेक्टर होगा जा, कोनो बैनर जोन बाटे ना होके, तो हम सोचली कि काहे ना हम खुद से शुरुआत करी और खुद से लीड एक्टर के तौर पर, एक्ट्रेस के तौर पर काम करी, और वही दिन से शुरू कैली रानी चटर्जी। और रानी चटर्जी आज कोना मुकाम पर बाड़ी बखूबी आप लोग जानते हैं जा, और रानी चटर्जी ये भी कहले कि भले ही हमार फिल्म हिट भइल लेकिन हमारा लागा था कि सबसे बर्बाद जोन जिंदगी भइल हमार ओकरे बाद भइल, और ये भी कहली कि आज जोन बाटे हम इतना मुकाम पे, बड़ा मुकाम पे बाढ़ीन कि जोन हमके पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, और खास करके अगर मैं एक्टर के बात करें तो जे लोग भी हमारा के इग्नोर कैले रहे आज हमारा के बुला के कहला कि आप हमारा प्रोडक्शन हाउस से काम कर लो या फिर आप हमारा साथे काम कर लो। तो रानी चटर्जी ये जोन बाटे इंटरव्यू में खुलासा कैली, आपके का लगता, आपके लगता कि कोनो फिल्म हिट हो गई तो हिट के बाद सुपर हिट हो गई ना उधर एक्टर चाहे एक्ट्रेस, या फिर ओकरा बाद भी आगे का संभावना विफलता की बढ़ सकेला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करके जरूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बा, नमस्कार।